डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम केशव ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जब लंबे समय और कड़े संघर्षों के बाद राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मौके पर सभी लोग 5 अगस्त को दीप जलाकर दिवाली मनाएं। राम भक्त के नाते जितनी खुशी से मैं झूम रहा हूं, उतना बाहर दिखा नहीं सकता। और मैं समझता हूं मेरे जैसे जो कोटि कोटि राम भक्त हैं, वह सब इसी प्रकार से प्रसन्नता से इस समय आह्लादित हैं कि रामलला की जन्मभूमि पर जो 500 साल की लड़ाई थी, वह 500 साल की लड़ाई पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है और अब वह शुभ घड़ी आने जा रही है, जिसके लिए हमारे विरोधी कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। उनको तारीख तो 5 अगस्त की मालूम हो गई है, इसलिए शायद अब भविष्य में वो सवाल नहीं करेंगे। यद्यपि वर्तमान में भी वह हाईकोर्ट के माध्यम से बाधा डालने का प्रयास श्री एक राहुल गांधी जी के दोस्त ने किया था, लेकिन अदालत का जो संदेश आया है उससे ये है कि जो भी कार्यक्रम है ट्रस्ट को करना है और ट्रस्ट करना है। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाकर भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खुद सीएम योगी ने भी कुछ दिन पहले अयोध्या जाकर श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।